रोल रंजीत। हाँ यार रोलिंग। सो सोनाक्षी, बगैर कुछ किसी गलती के बहुत सारी सजा, बहुत सारे ताने, बहुत सारी उलाहने, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्या एग्जैक्टली चल रहा है सोनाक्षी की जिंदगी में? आई एम श्योर आप लोगों ने एपिसोड्स में देखा होगा कि गलत न्यूज़ छप गई है कि सोनाक्षी ने ये स्टेटमेंट दिया है दैट पूजा इज अ डॉक्टर, जबकि ऐसा सच नहीं है। सो फाइनली जब सब ऑब्वियसली अब जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिलता तब तक मैं लड़ भी नहीं सकती वापस। सो इट्स जस्ट कि सबका सुन रही हूँ एंड अपनी तरफ से जितना हो सके बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पूजा को मना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पूजा को ये सच्चाई पता चली भी है कि वो अडॉप्टेड है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही है वो गलत है, क्योंकि फैमिली ने आज तक उसे प्यार देने में कोई कमी नहीं की, उसे कभी ये महसूस नहीं कराया कि वो गैर है, तो उसे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न सोनाक्षी इज़ डूइंग हर ड्यूटी। अच्छा, लेकिन सोनाक्षी जब से ससुराल आई हैं, जब से शादी हुई है रोहित के साथ, कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का ही कोई सदस्य है जो बार बार इस तरह की कोई हरकत कर रहा है कि आप पर उंगली उठे? आई होप नॉट, क्योंकि अब तक तो ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर ऐसा होगा तो आई थिंक फिर वो आपके लिए एज एन ऑडियंस बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे पता चलेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली निकलेगा सोल्यूशन। अच्छा, ऑब्वियसली रोहित के साथ जो रिश्ता है उसमें भी कुछ तनाव आ गया है बीच में। हाँ, बिकॉज रोहित जब भी पूजा की अडॉप्शन की बात निकलती है तो रोहित एक बहुत ही सर्टन वे में रिएक्ट करता है एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, एंड वो सोनाक्षी की समझ से थोड़ा बाहर है कि क्यों, एंड अगर हम दोनों के बीच में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, हमने शादी से पहले एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम कोई चीज़ें छिपाएंगे नहीं, सो देन अब ऐसा क्यों हो रहा है, एंड उस वजह से एक हल्की सी अनबन है। अच्छा, आपके ससुर से, आपके ससुर का जो पास्ट है, उनका जो सच है, उसमें पूजा का होना और मतलब क्या वो सच है जिसकी वजह से रोहित ऐसे रिएक्ट करते हैं? वो मुझे नहीं पता, वो आप ही पूछो, आप ही जवाब दो, उस बारे में मुझे अब तक कोई नॉलेज नहीं है। एक लास्ट सवाल, ससुराल वाले ऑब्वियसली कुछ हद तक नाराज हैं, आपके चाहे देवर हों, चाहे आपके चाचा ससुर हों, ससुर हों, सास हों, इनफैक्ट जो मतलब हमेशा वीना जी चट्टान की तरह खड़ी रहती थी अपनी बहू के साथ, आज वो भी नाराज हैं, तो इन सबको मनाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? आई थिंक बहुत नेचुरल है, अगर हम एक नॉर्मल लाइफ सिनेरियो में भी देखें, अगर सडनली आपकी एक बहू आती है जो पहले जिसके साथ आप बहुत अच्छे हो, बट अगर आपका घर इस हद तक गड़बड़ा जाता है तो डेफिनेटली आप एक नाराज़गी दिखाओगे, एंड फैमिली में तो ये सब चलता ही रहता है। जैसे मेरी एक बहुत अच्छी लाइन थी कि आप उसी से गुस्सा होते हो, उससे बहुत प्यार करते हो ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, सो दैट इज़ दैट, एंड आई एम श्योर जब हम ये बात असली सामने आएगी कि किसने किया एंड आई वाज नॉट द कल्प्रिट, तो चीज़ें सॉल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपनी तरफ से सोनाक्षी बैलेंस आउट करने की पूरी कोशिश कर रही है कि पूजा वापस नॉर्मल हो जाए एंड घर वालों के साथ नॉर्मल बिहेव करने लगे, एंड कुछ हद तक वो अचीव भी हो पा रहा है, सो लेट्स होप कि आगे ऐसे ही। थैंक यू।